From the cross, the greatest blessings from the cross. We are continuously meditating. So very specially the loss to supper, the Passover, the God's constitution of the Holy Communion, so We meditated. So, वो का वो आखिरी भोज जो हमने जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मनन कर रहे हैं वो आखिरी वाचा जो हमारे साथ बांधी गई द लास्ट थिंग इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी है वो अंतिम बात जो यीशु मसीह के जीवन में हुई उस पर हमारा ध्यान देना जरूरी है कि वो क्योंकि वो अंतिम बात हम में से बहुतों के जीवन में बहुत सारी बातों को बदलती है सो बिफोर ही लेफ्ट दिस लेर्थ ही वेंट टू हेवन एंड सफर्ड ऑन द क्रॉस सो दैट लॉस्ट वॉट द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट So, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले इस पृथ्वी पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ और स्वर्ग में जाने से पहले क्या हुआ ये बहुत जरूरी है सो द लास्ट वर्ड्स ऑन द क्रॉस ऑल ऑफ अस वी नो इन डिटेल और वो अंतिम शब्द जो उसने कहे थे उस बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्रॉस so, जीसस Father, into your hand I commit my spirit. वो अंतिम शब्द जो यीशु ने कहे वो ये थे कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। So today we are going to meditate on important thing, the last happened in the life of Jesus. और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मनन करने वाले हैं वो अंतिम शब्द जो यीशु के जीवन में हुए। Before he went to cross in this earth, Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. इस क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले इस पृथ्वी पर उसने जो प्रार्थना की गतसमनी के बाग में वी आर गोइंग टू मेडिटेट अबाउट द लास्ट प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस वैल्ड इन हिज फ्लश बिफोर द क्रॉस और क्रूस पर जाने से पहले ही जब वो देह में था शरीर में था उसने जो अंतिम प्रार्थना की हम उस विषय में चर्चा करेंगे सो देयर बाइबल लुक चैप्टर 22 अस 44 और अपनी अपनी बाइबलें निकाल ले लुका की इंजील 22 बाप की आयत। चौवालीस एक्सप्लेन अबाउट क्राइस्ट और यहाँ परमेश्वर का वचन उन अंतिम प्रार्थनाओं के बारे में वर्णन करता है सो हेयर द बाइबल सीज जीस प्रेड मोर फर्वेंटली एंड ही वॉन्स इन agony ऑफ स्पिरिट दैट his स्वट और वचन बताता है कि व्याकुल होकर आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा था और वो आत्मा में इतनी पीड़ा में था कि उसका पसीना खून की बूंदों की माफिक जमीन पर गिर रहा था ब्लड ऑफ जीस द स्वेट बिकेम ग्रेट ड्रॉप ऑफ

और इस प्रार्थना के जरिए यीशु मसीह ने उसको और ज्यादा आत्मिक सामर्थ्य से भरा ताकि हम आत्मिक स्तर में बढ़ने पाए सो यू मे ऑस्क क्वेश्चन वही जीसस प्रेड लाइक दैट और आप शायद सवाल कर सकते हो कि यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना क्यों की टू फॉर एवरी वन ऑफ एस फॉर यू फॉर मी द एंटायर वर्ल्ड ही प्रेड टू द फादर एंड ही कमिटेड हिज लाइफ इनटू द विल ऑफ गॉड दैट टाइम the sweat became a blood the bible says it became a great drops we may see in the rain drops very small but the blood became a great big drop fell on this earth और ये प्रार्थना उसने मेरे लिए और आप के लिए हम सबों के लिए की उसने ये प्रार्थना हम तमाम लोगों के लिए की और लहू बारिश की बूंदें तो फिर भी छोटी होती हैं लेकिन खून की बूंद जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और वो पसीना खून के बूंदों के समान इस पृथ्वी पर गिर रहा था वी कैन गिव द द नेम फॉर दिस प्रेयर प्रेयर बाय शेडिंग ब्लड और हम इस प्रार्थना को नाम दे सकते हैं प्रार्थना रक्त बहा के किया हुआ इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट सेवरल टाइप ऑफ प्रेयर्स आर देयर जीसस प्रेड इन द होल नाइट जीसस प्रेड इन द अर्ली इन द मॉर्निंग jesus prayed 40 days the same way many things written about the prayer of jesus the same way in the new testament praying in the holy spirit praying in the prom with the promises of god today the important prayer prayer by the shedding the blood और यीशु मसीह ने बहुत तरह की प्रार्थना की वो रात भर जग के प्रार्थना करता था वो एकांत में प्रार्थना करता था उसने चालीस दिन उपवास के साथ प्रार्थना करी नए नियम में जब हम पढ़ेंगे वो आत्मा में होकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना करता था वो परमेश्वर के वायदों के साथ प्रार्थना करता था और ये नई वाचा जो उसने हमें दी वो लहू बहा के की गई प्रार्थना थी डिफरें

और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उसने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम पवित्र किए जा सके द प्रेयर द लास्ट प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट ही रिसलिंग इन द प्रेयर groaning spirit. दैट टाइम ओनली द ब्लड द स्वेट बिकम अ ग्रेट ड्रॉप ऑफ ब्लड और ये प्रार्थना करते वक्त उसका पसीना खून की माफ़ी गिरा खून की नाई जमीन पर गिरा क्योंकि वो आत्मा में एक मल युद्ध को लड़ रहा था और वो तड़प रहा था फॉर एवरी ऑफ सेवरल टाइम्सिंग विदेड बैटली थिंग सेवरल टाइम्स वी आर नॉट प्रेइंग सेवरल टाइम्स वी आर नॉट रीडिंग द बाइबल वी आर टोटली कंट्रोल्ड बाई द अन यूजलेस Badly things, for that only Jesus. The sweat of Jesus with a groaning spirit, He is crying. He is praying. The sweat became a blood, the great drop of blood to make us holy. और हम में से बहुत लोग आज भी बहुत सारे बातों में बहुत सारी अनचाही बातों में सांसारिक बातों में अपने जीवन में फंसे हुए हैं बहुत सारी ऐसी बातों में जो अपवित्रताई को हमारे जीवन में लेकर आती है वो यीशु मसीह आज भी गत के उस बाग में अपना लहू जो प, अपना पसीना जो लहू की तरह भूमि पे गिर रहा है वो उस बाग में बहा रहा है that is the, the pain lord make me holy several times i am i am doing the same sinful things lord and asking forgiveness again and again today lord give me the grace i have to also pray like you my prayer life should be the supreme one the highest level of prayer my sweat should become a blood such a way i have to pray आप में से कितने लोग यीशु मसीह की तरह उस पीड़ा में उस व्याकुलता में और परमेश्वर के सामने उस आग्रह के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं उस उस परमेश्वर परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरा पसीना भी खून की माफी को भूमि पर गिरे मेरे अंदर भी प्रार्थना करने की वो पीड़ा होने पाए मैं भी उस व्याकुलता के साथ प्रार्थना और परमेश्वर का वचन जो अब हम पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वचन बताता है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए अपनी अपनी बाइबलों में नोट कर लेंगे इब्रानियों की पत्री बारह अध्याय उसका चौथी आया नॉट प्रेयर इब्राह की पत्री 12 अध्याय उसका चौथा वचन इस प्रकार कहता है कि यहां तक कि तुम पाप से लड़ते हुए भी तुम्हारे अंदर ऐसा संघर्ष नहीं देखा गया कि तुम्हारा लहू चरण तक भी नहीं पहुंचा जैसा गदमी के बाग में यीशु मसीह की प्रार्थना पहुंची और उसका पसीना खून की तरह बहा चेक यूर प्रेयर लाइफ चेक यूर बाइबल रीडिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड everywhere our children they are living like the worldly people no jesus in their life this is the very high time dear friends we have to check out we have to our home all of us we should be in our knees like Jesus and in prayer by our sweat should become a blood this is the expectation of the Lord Jesus Christ मेरे पिरियो अपने अपने समय को चाचे प्रार्थना में आप कितना समय देते हैं ये जांचे परमेश्वर के साथ अपना समय कितना गुजारते हैं ये जांचे हम आज एक आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं हमारे बच्चे परमेश्वर के प्रति कितने अच्छी तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं ये चाचे क्योंकि यही तो परमेश्वर चाहता है क्योंकि परमेश्वर उस लहू को जो उस में समय में वो पसीना लहू के रूप में बहा हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या हम उस स्तर तक पहुंचे हैं by shedding the blood this is the supermost the supreme level of the praying life praying by shedding the blood हमारी प्रार्थना का जो स्तर है वो इब्रानियों 12 4 तक पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वो सबसे ऊंचे स्तर का सामर्थ्य है जहां तक हमारी प्रार्थना का जाना जरूरी है so your prayer life it should be you should reach the point by sweating blood anywhere struggle by opposing the devil the bible says resist the devil in prayer he will flee away और हमारी प्रार्थना का स्तर इतना होना चाहिए कि प्रार्थना के समय हम पीड़ा में हो हम व्याकुलता में हो और हमारा पसीना भी उस लहू की तरह बहना चाहिए और बाइबल इस बात को बताती है कि तुम शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा सो यू है नीज यूर प्रेयर टूट रीच द्लड इन यूवर

और आज जो हमारे मनन का निरंतर का विषय है वो ये कि कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए सो द अनदर प्रेयर वी हैव टू क्लाइम वी आर क्रिएटेड ऑल द ह्यूमन बीइंग वी आर क्रिएटेड बाय द वन ब्लड

Already forgive all our sins. और के पत्री 9 अध्याय उसका 22 वचन इस बात को बताता है कि लहू के बहाये बिना क्षमा है ही नहीं क्योंकि यीशु मसीह का लहू हर एक पाप और हर एक गुना से क्षमा देता है एनिवर प्रेयर बाई इन द प्रेयर for से जो प्रार्थना आप करते हो आपको अपने क्षमा के आपको जो क्षमा मिली है उस बात के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए सो रेवल्यूशन वन फाइव द बाइबल से ब्लड ऑफ चीस सेट फ्री फ्रॉम दिन Revelation 1:5 और प्रकाशित वाक्य एक उसका पांच वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हमारे हर एक पापों से हमें छुड़ाता है So Revelation 5:9 says we are purchased to God by the blood of jesus our प्रकाशित वाक्य पांच उसका नौ वचन कहता है हम यीशु मसीह के लहू से खरीद लिए गए you have to claim i am purchased lord i am purchased by the blood of jesus i can't do any sin आपको ऐसा कहने की जरूरत है कि मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूं और मैं कोई पाप कर ही नहीं सकता colossians 1:14 is वेरी clearly says वी आर रिडीम्ड through the blood of Jesus. और कुलूसियों की इंजील उसका एक चौदह इस बात को साफ बताता है कि हमारा मोल यीशु मसीह के लहू से लिया गया है। You have to claim these things in your prayer. Then only your prayer will be powerful. Your prayer will be answered by God. आप जब प्रार्थना करें इन वचनों के साथ प्रार्थना करें केवल तभी ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। So these kind of the points based on the word of God will help you to reach the point of sweating blood in ever struggling the opposition towards the sin according to hebrew 12:4 और इब्रानियों 12:4 के अनुसार जब आप वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का स्तर वही होगा जो पसीने के रूप में लहू बहने से हो रहा था through the blood of jesus christ i am forgiven यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा छुटकारा हो चुका through है. the blood of jesus christ i am set as uh, lord set me फ्री फ्रॉम सिन और ये मसी के लहु के द्वारा परमेश्वर ने मुझे हर एक पाप से छुटकारा दे दिया है ब्लड से खरीदा गया पत्र एक चौदह के अनुसार मैं उसके लहु के द्वारा क्षमा पा चुका एफिसियंस वन सेवन वेरी क्लियरलीस एफिशियंस वन सेवन वी आर वीव रिडम थ्रू हिस्स ब्लड अनुसार उसके लहु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है हमारे अपराधों का जो क्षमा किया जाना हुआ है वो उसके लहु के द्वारा ही हुआ है पहला पत्र अध्याय 18 और 19 सो हियर द बाइबल सेज वी आर रेस्क्यूड नॉट थ्रू सिल्वर और गोल्ड वी आर रेस्क्यूड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट द स्पॉटलेस एंड द इनोसेंट लैम्ब ऑफ गॉड वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा सोना और चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं लेकिन यीशु मसीह के बहुमूल्य और निष्कलंक लहू से हुआ है द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज मच मोर Greater than the worldly blessing like silver and gold. यीशु मसीह के लहू से जो आशीषें हैं वो संसार और सोने और चांदी से मिलने वाली आशीषों से कहीं बढ़कर है वेर इज योर माइंड राइट नाउ आपका ध्यान इस वक्त कहा है दैरली थिंग संसारिक चीजों में वैरली मनी संसारिक पैसों में यूर माइंड शुड बी फुल ऑफ द माइंड ऑफ क्राइस्ट यू हैव टू कम इन टू द गार्डन ऑफ गेटमनी एंड यू हैव टू प्रे यूर स्वेट शुड बी कम आउट अ Great drop of of blood. This is the expectation of Jesus Christ about you today. आपकी सोच मसीह जैसी होनी चाहिए आपका दिमाग जो है वो यीशु की बातों से भरा होना चाहिए आपका ध्यान उस गदमनी के बाग की ओर होना चाहिए आपकी प्रार्थनाएं पीड़ा से भरी होनी चाहिए आपका पसीना लहू की तरह होना चाहिए और यही तो यीशु आज आप सबसे चाहते हैं You are redeemed not by the silver and gold. You are rescued by the precious blood of Jesus Christ. You can climb this word of God for all you need. Very especially any of you are praying for your gift of child blessings such a long years. You have to climb this word of God through the blood of Jesus Christ. What are the blessings?

through the blood of Jesus और इब्रानियों की पत्री 9 उसका 12 वचन को कहता है हमने यीशु मसीह की लहू के जरिए उस अनंत छुटकारे को प्राप्त किया है we the previous verse says not through silver and gold here the bible says not through the blood of goats or cows, but with his own blood own blood we are obtained the eternal redemption और इससे पहले वचन में हमने पढ़ा उसने कहा सोने और चांदी से नहीं यहाँ वचन कहता है बकरे और बछड़े के लहू से नहीं लेकिन स्वयं और केवल यीशु मसीह के खुद के लहू से यू है आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए अपने अनंत छुटकारे के लिए Hebrew 1320, here the everlasting covenant. और इब्रानियों की पत्री तेरा उसका बीस

की आशीष से भर दिया है सो सकरिया नाइन लेवन हियर द बाइबल सीज द सक्रिया सेवरल इयर्स बिफोर ही इज प्रोसेसिंग अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ माय कवन विद यू आई हैव सेट योर प्रिजनर्स फ्री फ्रॉम द वाटरलेस पिट और जब हम ज़करिया की पुस्तक 9 उसका 11 पढ़ते हैं क्योंकि वो भविष्यवाणी बहुत समय से हो रही थी वहां लिखा है तेरे विषय यह कि तेरी साथ अपनी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को सूखे गड्ढे में से आजाद किया है दिस वर्ड ऑफ गॉड फुलफिल्ड इन द लाइफ ऑफ जोसेफ और ये वचन जो है यूसुफ की जिंदगी में पूरा Joseph हुआ जोसेफ वास इन द वाटरलेस पिट ही रिडीम्ड ही

जब वहां से निकला उसके जीवन में वो अनंत की वाचा परमेश्वर के साथ जो बंदी थी वो उसके लिए ठहराई गई और वो ऊंचाइयों तक गया यू हैव टू लिव लाइक जोसेस विदाउट एनी काइंड ऑफ द वायरली डिस्टरबेंस यू हैव टू लिव अ होली लाइफ यू हैव टू गो रन अवे फ्रॉम द सिंस आपको यूसुफ की तरह एक पवित्रताई का जीवन और संसार के चीजों से दूर रहकर जीने की जरूरत है पाप से भागने की जरूरत है through the blood of jesus christ we are sanctified we received the sanctification through the blood of jesus christ so hebrew 10.19, here the bible says we received a easy access to the holy throne of grace with a great confidence and boldness and enter into the holy place through the blood of Jesus. और इब्रानियों की पत्री उसका दस अध्याय उसका उसका उन्नीस वचन कहता है इसलिए हम यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस पाते हैं वी रिसीव द ब्लेसिंग एक्सेस एंड रीच द होली थ्रोन ऑफ ग्रेस विद ग्रेट कॉन्फिडेंट आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस आई एम रेस्क्यूड बाय द ब्लड ऑफ जीसस आई कैन रीच द होली थ्रोन ऑफ ग्रेस डायरेक्टली विद अ बोल्डनेस With a अथॉरिटी एस ए चाइल्ड ऑफ गॉड और हम ये कहने पाते हैं कि उस पवित्र स्थान पर प्रवेश करने के लिए उस रास्ते पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम पूरे अधिकार के साथ उस सिंहासन पर अपने अधिकार को बता सके कोलोसेन 120 ट्वेंटी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कोलोसेन वन ट्वेंटी इट सीज

और यीशु मसीह के द्वारा बहाए हुए लहू से हमारा उसके साथ मिलाप हुआ है एफिसियन टू थर्टीन हियर द बाइबल से चिल्ड्रन ऑफ गॉड through the blood of Jesus Christ इफिशियंट 2 13 वचन ऐसा कहता है कि हम उस मसीह के लहू के द्वारा उसके बहुत समीप उसके बेटे और बेटियां होकर बुलाए गए हैं सो यू हैव टू क्लेम इन योर प्रेयर थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इफिशियंट 2 13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यू हैव टू क्लेम लॉर्ड आई एम योर चाइल्ड लॉर्ड आई एम लिविंग अ होली लाइफ गिव मी द grace लॉर्ड गिव मी मोर grace लॉर्ड And all your prayer will be answered. और आपको इस प्रार्थना को, को बोलने की, की जरूरत है की परमेश्वर हम तेरे लघु के द्वारा तेरे बेटे और बेटी होने के लिए बुलाए गए हैं through the blood of Jesus Christ we came close next to Jesus we can able to sit on the throne the bible says i will give him the grace and authority to sit with me along with me in my throne और वचन साफ साफ इस बात को कहता है कि तुम जो पहले से मसीह से दूर थे हम जो पहले मसीह से दूर थे यीशु मसीह के उस लहू में उसके पास बुलाए गए हैं और उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उस महिमा के सिंहासन पर बैठने वाले के साथ बैठ सके Because Ephesians 5:30, the Bible says, "We belong to the body of Jesus Christ. We belong to the blood of Jesus Christ. We belong to the bones of Jesus Christ. We belong to the entire organ because our body is the temple of the Holy Spirit. How can we do sin against God? How can we have the unwanted worries and sorrow, anger, all the unwanted peacelessness, restlessness? How?" ता है हम मसीह की देह के अंग है हम उसके शरीर है हम उसकी वो देह है हम उसका मास उसका लहू उसका हर एक अंग है तो हम कैसे कोई पाप कर सकते हैं हम कहने पाए कि हम चूंकि तेरे देह है तेरे हिस्से है और हम तेरे कहलाते हैं, हमसे कोई भी गुनाह ना होने पाए। और रोमियो की पत्री पांच अध्याय उसका नौ वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष है सो एनी वन हैंग्लिश यू कैन गो थ्रू देशन ट्रांसलेशन टीपी ट्रांसलेशन इट सेज You are now righteous in my This is the word of god और अगर किसी के पास इंग्लिश का पैशन ट्रांसलेशन है तो वो इसे पढ़ सकता है उसमें इस तरह लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के साथ हुआ इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा जब हम ठहराए गए हैं सो थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस वी आर गॉड मेड एस जीसस मेड इज राइचियस वी आर राइचियस पीपल और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं ब्लड so ऑफ greatest blessing ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स is अपॉन यू नाउ और यीशु मसीह के लहू के द्वारा चूंकि हम धार्मिक ठहराए गए हैं उस परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर है

अपने प्रार्थना के जीवन को बदले दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन ये सबसे बड़ी उम्मीद है लव जीस मोर फ्रॉम यूर हॉट यीशु मसीह को अपने हृदय से बहुत ज्यादा प्यार That is the great love we इज द ग्रेट only कैन Jesus. और ये वो महान प्यार है जो हम केवल और केवल यीशु के लिए कर सकते हैं टुडे हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू प्रे विद द ब्लड विद्लड हाउ द स्वेट ऑफ जीसस क्राइस्ट बिकेम अ ग्रेट ड्रॉप ऑफ ब्लड और आप में से कितने हैं जो प्रार्थना ठीक उसी तरह करना चाहते हैं जिस तरह यीशु ने की और उसका पसीना लहू की तरह गिरा। हमें अपनी प्रार्थना के स्तर में सांसारिक चीजों के विरोध में उस स्तर तक पहुंचने की जरूरत है जहां पसीना लहू की तरह बहे जीसस वांट्स सच ए पीपल टू प्रे एवरी डे बिफोर हिम यीशु मसीह चाहते हैं कि ऐसे लोग रोज उसके सामने इसी तरफ प्रार्थना किया करें। आई कैन टेल यूर्टेंट थिंग बहुत महत्वपूर्ण ऑफ अवर प्रॉब्लम इफ यू आर प्रेइंग इन अवर नीज द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड बाई रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड ऑल द बी सॉल्व इन यूर फैमिली हम अपने जीवन के निन्यानवे प्रतिशत परेशानियों को परमेश्वर की उपस्थिति में घुटनों में आके उस चीजों का हल निकाल सकते हैं हाउ यू विल डिस्टर्ब हाउ यू विल डिप्रेस हाउ द दिटी विल टच यू हाउ द स्ट्रेस विल कम यू बिकॉज यू आर गिविंग यूर एंटायर माइंड एंड हार्ट फॉर द डेविल आप परेशानियों में कैसे पड़ते हैं अवसाद में कैसे जाते हैं क्यों आपके जीवन में व्याकुलता और उथल पुथल रहती है क्योंकि आपने अपना दिमाग अपना ध्यान उस शैतान को दे दिया टूडे कम टू दिन के बाग में आए इज प्रेइंग फॉर यू इन दैट प्लेस ये मसीह आपके लिए उस स्थान में प्रार्थना कर रहे हैं ग्राउंड उसका पसीना की तरह उस बड़े बूंद की तरह उस जमीन पर गिर रहा है आर यू रेडी टू नील डाउन नियर बाई जीसस राइट नाउ क्या आप इसी समय यीशु के सामने घुटनों पे आएंगे एवरी वन हुस्ट टू प्रे थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस यू कैन स्टार्ट टू प्रे नाउ वो सारे लोग जो यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना चाहते हैं इसी समय प्रार्थना करना शुरू एवरी वन क्लोज यूर आइज राइट ना हर एक अपनी आंखों को बंद करें। गॉड्स एक्सपेक्टेशन यू हैव टू ग्रो विद विद्योरिटी ऑफ यूर होलीनेस परमेश्वर ये आपसे चाहता है कि आप आत्मिकता में परिपक्वता के साथ बढ़े यू आर नो मोर चाइल्ड हाउ लॉन्ग लाइक आप अब बच्चे नहीं रह गए और एक मसीही के जीवन के रूप में आप कब तक एक बच्चे की तरह जिएंगे? जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी ब्लेस्ड यू ग्रेट पीस दैट ऑल अंडरस्टैंडिंग और परमेश्वर ने आपको पहले से ही वो शांति वो समझ दे दिया है हाउ यू कैन से आई एम I am restless i am tired i am worries i am sorrow i am anxiety i am sick I am this and that. Today change your prayer life before God. आप कैसे कह सकते हैं कि आप परेशानी में हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि उलझनों में हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप बीमार हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप अवसाद में हैं या इसमें है या उसमें है, उस है अपने प्रार्थना करने के तरीके को बदले चेंज your प्रेयर life, चेंज your बाइबल रीडिंग अपने प्रार्थना करने के जीवन को और वचन पढ़ने के समय को बदले यू आर कॉल्ड बाई गॉड आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उसके लघु के बहाये जाने ऐसी ताकि आप घुटनों पे आके रोज प्रार्थना कर सके हाउ मनी ऑफ यू नीड दिस प्रेयर लाइफ ऑफ जीसस टूडेडी टू गिव यू रैना

Only the cross will be for me. The world will be behind me. I will not turn back anymore. The blood of Jesus Christ is pleading for you right now before God in heaven. परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का लहू आपके लिए पुकार रहा है right यीशु मसीह का लहू आप के लिए पुकार रहा है और करा रहा है यीशु के पास बाइबल सेज कम टू मी आई वांट टू गिव यू रेस्ट वचन कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ देयर इज से प्रॉब्लम इन योर लाइफ क्यों आपके जीवन में शांति नहीं है इज अ सिकनेस

of Jesus Christ is empowering you as a child of God with the God's righteousness और अब यीशु मसीह का बोल रहा आपको परमेश्वर की वो धार्मिक संतान होने के लिए अभिषेक कर रहा है receive the holy spirit right now ओ पवित्र आत्मा को इसी समय ग्रहण करें the holy spirit is coming upon you वो पवित्र आत्मा कर हर इसी वक्त उस पवित्र आत्मा से भर जाए होली स्पिरिट इज is empowering यू वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है होली all आंसरिंग ऑल right प्रेयर वो पवित्र आत्मा आपके तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है Today onwards ऑल दाइम प्रेवर और आज के बाद घुटनों में आकर परमेश्वर और ये प्रार्थना में जीवन बिताए गॉड विल एंसर ऑल ये परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देंगे थैंक यू लॉड फॉर एंसरिंग अवर प्रेयर धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए इन जीसस ने नाम ऐसी प्रार्थना करते हैं ए मैन